नमस्कार, आप देख रहे लोकमत news.in। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। तो आज की बड़ी खबर, जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को काले हिरण के मामले में 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना। इसके साथ बॉलीवुड के टाइगर यानी सलमान खान आज की रात जोधपुर सेंट्रल जेल में बिताएंगे। 20 साल पुराने इस मामले में जो और आरोपी थे यानी तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम और सैफ अली खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है। तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मामला क्या था, क्या कार्रवाई रही और साथ ही बॉलीवुड पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो मेरे साथ है इस वक्त पल्लवी, जो आपको इस मामले की जानकारी देंगी। पल्लवी, मेरा पहला सवाल, पूरा मामला क्या है? प्रतीक्षा, ये पूरा मामला मैं आपको बता दूँ 1998 का है, जब सूरज भारद्वाज की फिल्म की शूटिंग के लिए, जो फिल्म है हम साथ साथ की शूटिंग के लिए पूरी स्टार कास्ट जिसमें तब्बू, सलमान खान, सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे जोधपुर पहुंचे हुए थे। इसी बीच एक दिन वो शूटिंग के बाद रात को चिल आउट करने के लिए वो वहाँ कांकनी गाँव जो है जोधपुर के पास में वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने एक हिरण को घूमता देखा। तो ऐसा कहा जा रहा है सरकारी अफसरों के मुताबिक या पुलिस के मुताबिक कि वहाँ पे सलमान खान को फोर्स किया गया कि आप उस हिरण को शूट कीजिए, और सलमान खान ने उस रिवॉल्वर से हिरण को शूट किया जिसका लाइसेंस भी उनके पास नहीं था। और इसके बाद जो वहाँ के विश्नोई समाज हैं जिन्होंने इस पर सलमान खान पर FIR दर्ज करवाया है और बाकी आरोपियों पर भी जिन्होंने FIR दर्ज करवाया था, उनका कहना है कि जब उन्होंने देखा कि वो वैसी घटना हुई और हिरण को मारा गया है, तब उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, बट वहाँ पे उस वक्त सारे स्टार कास्ट भाग चुके थे। ये उस वक्त का पूरा मामला था। और उस वक्त सलमान खान पर जब FIR दर्ज हुआ था तो उन्हें अक्टूबर में ही उन्हें 5 दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा था इस मामले में। तो पल्लवी, इस पूरे मामले में सलमान खान पर कितने केस दर्ज हुए? प्रतीक्षा, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में सलमान खान पर 4 केस दर्ज हुए थे। अगर मैं पहले, जैसा आप आंकड़े में देख सकते हैं, अगर मैं पहले केस की बात करूं तो ये भवाद गांव का था जहां पे एक हिरण शिकार किया गया था, एक हिरण को। इस मामले में सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया था। वहीं अगर दूसरे केस की मैं बात करूँ तो ये घोड़ा फार्म हाउस केस का था, इस यहाँ भी 2 हिरण का शिकार किया गया था और यहाँ पे भी जब कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बाद सारे आरोपियों को बरी किया गया था। तीसरा जो मामला था वो आर्म्स एक्ट का था जिसमें कहा गया था कि, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सलमान खान ने जिस रिवॉल्वर या जिस बंदूक से हिरण को शूट किया था वो उसका लाइसेंस नहीं था। तो उस मामले में भी कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी कर दिया था। और जो ये चौथा केस है प्रतीक्षा, और आज मतलब आज जिस मामले में फैसला हुआ है वो कोंकानी गांव का है, यहाँ पे 2 हिरण शिकार किए गए थे और इसी मामले में सलमान खान पर 5 साल की सजा हुई है और उन्हें 10,000 का जुर्माना किया गया है। तो पल्लवी, दिन भर की ये बड़ी खबर रही है, सुर्खियों में रही है, साथ ही जब सलमान खान को दोषी करार कर दिया, कई देर के बाद सजा का ऐलान हुआ है, तो क्या कार्रवाई रही कोर्ट की? क्या दलीलें पेश करी सलमान खान के वकील ने और क्या दलीलें सरकारी वकील ने पेश करी? प्रतीक्षा, मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट की कार्रवाई चली वो 11 बजे से तकरीबन 2:30 बजे के आसपास चली है। 2:30 बजे के बाद फैसला सुनाया गया है। बीच में 10-15 मिनट के लिए जज भी उठकर चले गए थे, लंच ब्रेक भी नहीं लिया गया है, कंटिन्यूस किया गया है। तो ये जो पूरा मामला है काफ़ी पेचीदा रहा। जो कोर्ट में सुनवाई हुई वहाँ पे उस वक्त सलमान खान को तब तक कोर्ट में बिठा कर रखा गया था जब तक कि फैसला आ नहीं जाता। तो मैं आपको अब बात करते हैं दलीलों पे, हम बात करते हैं जो सलमान खान के वकील हैं उन्होंने कुछ दलीलें पेश की। उनका बार बार ये कहना था कि सलमान खान एक अच्छे इंसान हैं, सलमान खान काफ़ी समाज सेवा का काम करते हैं और उन्होंने अपने व्यवहार में, अपने सामाजिक व्यवहार में काफ़ी बदलाव किए हैं। ये उनके वकील का दलील था। उनके वकील इस बात पर भी बार बार फोकस कर रहे थे कि सलमान खान को कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि जितनी कम सजा दी जाएगी सलमान खान को उतनी जल्दी बेल मिल जाएगी। इस मामले पे हम बात करेंगे आगे। अब करूँ बात अगर मैं सरकारी वकील के दलीलों की, तो सरकारी वकील चाह रहे थे कि सलमान खान को जो 6 साल की सज़ा हो, इस सजा मैक्सिमम उनको सज़ा हो। और उनका कहना है सरकारी वकीलों का, सलमान खान आदतन अपराधी हैं। अगर हम पहले भी बात करें तो हिट एंड रन मामला देख ले सलमान खान का, गर्लफ्रेंड की पिटाई से लेके वो हमेशा एक बैड बॉय की जो छवि है ना सलमान खान की वो रही है। और सरकारी वकील ने इसी चीज़ पर फोकस किया है। अगर मैं धारा की बात करूं तो सलमान खान पर IPC 51 के तहत मामला दर्ज है और इसमें न्यूनतम सज़ा 1 साल की है और अधिकतम सज़ा 6 साल की है। इसीलिए कोर्ट में बार बार सरकारी वकील इस चीज़ पर फोकस कर रहे थे कि सलमान खान को 6 साल की सज़ा मिले, क्योंकि अगर उन्हें 6 साल की सज़ा मिलती है या फिर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, जैसा कि उन्हें मिला भी है 5 साल की सज़ा मिली है, तो अब सलमान खान को बेल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और जैसा हुआ भी है कि वो आज पूरी रात जेल में बिताएंगे और कल सुबह वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। वहीं जब
जो उनकी अगर न्यूनतम सजा की बात करूं मैं, तो अगर सलमान खान को 1 से 3 साल के बीच की सजा मिलती तो आज जिस जज ने फैसला सुनाया है जय कुमार खत्री ने, उसी वक्त वो उनका, अगर मैं ऐसा कहूँ, हाथों हाथ उनका बेल हो जाता सलमान खान का और उन्हें जेल का रुख नहीं करना पड़ता। मतलब जैसे ही सजा का ऐलान हुआ तो जो खुशी की लहर दौड़ी है बिश्नोई समाज में, ऐसे में आप हमें बताइए कि काला हिरन और बिश्नोई समाज में कनेक्शन क्या है। प्रतीक्षा मैं बता दूं, जो बिश्नोई समाज है वो गुरु जाम्बेश्वर को मानने वाले हैं और काला हिरन से उनका काफ़ी कनेक्शन है। वहाँ पे कहा जाता है कि अगर काला हिरन या कोई जानवर, जानवरों से बहुत प्रेम करते हैं, अगर आपकी फसल बर्बाद भी कर रहे, खा भी रहे हैं, तो उन्हें मारे ना, उन्हें मारकर भगाए ना, अगर आपका फसल बर्बाद होता है तो होने दे, बिश्नोई समाज का ये मानना है। खबरें ये भी आई थी, वहाँ के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट ने खबर करी थी कि जो बिश्नोई समाज की औरतें हैं काला हिरन को ब्रेस्ट फीड भी करवाती हैं। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं प्रतीक्षा, कि जो बिश्नोई समाज है वो सलमान खान से भी काफ़ी नाराज़ हैं। जो बिश्नोई समाज के एक दबंग और गैंगस्टर हैं जो लॉरेन बिश्नोई, उन्होंने इस बात की धमकी भी दी थी कि वो सलमान खान को जहाँ भी देखेंगे उन्हें जान से मार देंगे। इसी बात का ध्यान रखते हुए जोधपुर पुलिस प्रशासन ने सलमान खान का मेडिकल तक जेल में कराया है। पल्लवी, जो अब सलमान खान को 5 साल की सज़ा का ऐलान हो चुका है, ऐसे में इसका बॉलीवुड पर क्या असर पड़ेगा? प्रतीक्षा मैं आपको बता दूं कि सलमान खान पर 500 करोड़ का दाव लगा हुआ है, उनकी कई फिल्में लाइनअप है। अगर मैं कुछ फिल्मों की बात करूं तो रेस 3, दबंग 3, किक, नो एंट्री और वांटेड 2 जैसी फिल्में लाइनअप हैं। तो अगर सलमान खान को बेल नहीं मिलती है और वो जेल में रहते हैं तो इन फिल्मों की शूटिंग पे बहुत असर पड़ने वाला है। और ये तो कमाई के मामले में और बिजनेस के मामले में बॉलीवुड की बात होगी प्रतीक्षा। अगर मैं बॉलीवुड के इमोशनल कनेक्शन की बात करूँ प्रतीक्षा सलमान खान के साथ, तो काफ़ी गम में है बॉलीवुड सलमान खान को 5 साल की सज़ा मिलने से। जैसे खबरें भी आई कि उनकी बहनें वहाँ रो पड़ी, उसके अलावा कई डायरेक्टर्स अभिनेताओं के भी ट्वीट आ रहे हैं सलमान खान को लेकर, लगातार आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सलमान खान पे जो ये फैसला आया है, इस चीज़ से पूरा बॉलीवुड परेशान रहेगा और खुद सलमान खान, आप कह सकते हैं कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते इस खबर को इतना हाइप किया गया है कि सलमान खान इस खबर को बार बार देख रहे हैं, तो एक मानसिक यातना से वो गुजरेंगे। शुक्रिया पल्लवी हमें तमाम जानकारी देने के। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले, साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।